कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से कार्गो शिप को समंदर में जाते हुए देखते हैं। शिप के बाथरूम में एक औरत नहा रही होती है, तभी इतने में एक सी मॉन्स्टर हमला कर देता है और देखते ही देखते पूरे शिप में तबाही मच जाती है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और वो नहाते हुए औरत भी अपनी जान बचाने के लिए भागती है, पर जैसे ही वो समंदर में छलांग लगाने की कोशिश करती है, वो जायंट मॉन्स्टर जिसका बड़ा सा मुंह और नुकीले दांत थे उसे अपने मुंह में निगलकर वहां से चला जाता है। 3 साल बाद उसी समंदर में एक और शिप को दिखाया जाता है जिसमें सवार नाविकों को मछली पकड़ते वक्त एक ब्लैक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक ऑक्टोपस बंद था। वो सारे लोग बड़ी हैरानी से उस ऑक्टोपस को देखते हैं और उसे खाने की शर्त लगाते हैं। ये देखकर एक छोटा बच्चा जिसका नाम जून था अपनी बहन मे को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ मे कंप्यूटर पर किसी काम में बिजी थी। जब वो दोनों किचन में आते हैं तो देखते हैं कि एक शेफ उसे जिंदा खाने जा रहा था, पर जैसे ही वो उस ऑक्टोपस को सॉस लगाकर खाने की कोशिश करता है वो ऑक्टोपस खुद ही उसके पेट में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में उस आदमी को उल्टी होने लगती है और वो ऑक्टोपस उसके मुंह से बाहर निकलता है, लेकिन अब उसका साइज बड़ा होने लगता है और फिर वो उसे अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। ये देखकर सारे वर्कर्स अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़की इस आदमी को बचाने के लिए ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को पकड़कर खींचती है, जिसकी वजह से ऑक्टोपस उसे ही जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह और पूरी बॉडी को कसकर जकड़ लेता है। इसी के साथ वो अपना डीएनए भी उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेंग नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने गुजारे के लिए छोटे मोटे फूड स्टॉल को चलाता था। तभी वहाँ उसका साला लाओ आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। वो दोनों बात करते हुए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ जेंग अपनी बेटी को खाना खिलाता है और लाओ उससे कहता है कि तुम्हारे मिलिट्री एक्सपीरियंस की मदद से हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जेंग डायनामाइट एक्सप्लोड करने में एक्सपर्ट था और इस तरह के धमाके करके वह समंदर की मछलियों को पकड़ने में नाविकों की मदद करता था। इसीलिए लाओ साथ देने के लिए उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन यंग ये कहकर मना कर देता है कि मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं अब कभी शिप में काम नहीं करूंगा और अपनी बेटी की देखभाल करूंगा। लेकिन तभी उसकी बेटी को खांसी होने लगती है और वो लोग उसे गाड़ी में बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। दरअसल उसकी बेटी को एक गंभीर बीमारी थी, लेकिन पैसों की दिक्कत के कारण वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पा रहा था। रास्ते में जेंग फ्लैशबैक में चला जाता है जब ऐसे ही खांसी उठने पर वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, तब उसकी वाइफ पैसों की दिक्कत की वजह से बेटी का इलाज न करा पाने के लिए उस पर गुस्सा होती है, जिससे जेंग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और इस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। फ्लैशबैक से लौटते ही जेंग को एहसास होता है कि वो अपनी वाइफ को तो खो चुका है पर अपनी बेटी को नहीं खो सकता, और इसीलिए वो लाओ के कहने पर शिप में काम करने के लिए राजी हो जाता है। उधर कार्गो शिप में जून के अलावा सारे लोग जायंट मॉन्स्टर के हाथों मारे जा चुके थे, जिसके बाद घबरा कर जून कैप्टन के पास आता है और उसे सारी बातें बता देता है। तब कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स के हथियारे जायंट ऑक्टोपस को खत्म करने के लिए चॉपर लेकर निकलता है और उस मॉन्स्टर का एक टेंटिकल भी काट देता है, लेकिन जल्दी वो उसे अपने दूसरे टेंटिकल से पकड़ लेता है। कैप्टन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब उसका बचना नामुमकिन हो जाता है तो वो जून को भागने के लिए कहता है और जून को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है। तभी इसी बीच मे को होश आ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए शिप के कंटेनर में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर के साथ उसका शारीरिक संबंध हो चुका था जिसकी वजह से उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी और उसके पेट पर कुछ चिपचिपा सा लिक्विड लगा था, जो इस बात का संकेत था कि मॉन्स्टर ने उसकी बॉडी में अपना डीएनए डाला था और वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उधर दूसरे शिप में जेंग लाओ के साथ काम करने के लिए आया हुआ था। लाओ ने कुछ और लोगों को भी किराए पर काम के लिए रखा था। थोड़ी देर में जेंग को पता चल जाता है कि वो लोग कुछ इलीगल काम करने वाले हैं, क्योंकि उसने शिप पर ढेर सारे हथियार और गोला बारूद देखा था। पूछने पर उसे पता चलता है कि वो लोग उस कार को बोट में ले जा रहे हैं, हीरो को लूटना चाहते थे और उसी के लिए ढेर सारे हथियार और गोला बारूद भी जमा किया गया था। ये सुनकर जेंग उनका साथ देने से मना कर देता है, पर लाओ उसे समझाता है कि सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे तुम ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी का इलाज करवा सकते हो और मैं भी अपने कर्जों से निजात पा सकता हूँ। इसी तरह काफी प्रोटेस्ट करने के बाद आखिर जेंग मजबूर होकर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग एक मिस्टीरियस फॉग वाली एरिया की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ उस कार्गो शिप के पास पहुँचकर शिप में मौजूद लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कनेक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए वो लोग उस शिप पर कब्जा करने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि पूरा शिप खाली पड़ा है। इसी के साथ जमीन और दीवारों पर खून के धब्बे पड़े थे और एक चिपचिपा सा लिक्विड सब जगह लगा हुआ था। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए जेंग समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। टीममेट्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर लाओ और दूसरे लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। वो लोग हॉल से होते हुए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। बाहर डेक पर बैठे हुए दो गार्ड आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें से एक गार्ड मछली काट रहा था जबकि दूसरा आराम से सिगरेट पी रहा था। फिर जैसे ही पहले वाले गार्ड की नजर दूसरे गार्ड के पीछे टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर पर पड़ती है, वो जोर से चीखने लगता है। इसके बाद दूसरा घूमकर देखता है तो पहला गार्ड गायब हो चुका था और तभी उसकी
नजर मॉन्स्टर पर पड़ती है जो पहले गार्ड को अपने टेंटिकल्स में पकड़कर खाने जा रहा था। ये देखकर वो डर के मारे भागने लगता है, पर मॉन्स्टर उसे भी अपने टेंटिकल्स में जकड़कर मार डालता है। उधर लाओ जेंग और अपने साथियों को स्प्लिट कर देता है ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा जगह की तलाशी ले सके। इस बीच मई भी कंटेनर से निकल आती है, पर जैसे ही उसे लोगों के पैरों की आहट सुनाई देती है वो फिर से छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर यह जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि वो हीरा कहाँ रखा है, जिसके बाद वो उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे हीरा ढूंढने में मदद करने के लिए फोर्स करते हैं। बचने का रास्ता ना देखकर वो उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहां हीरा रखा हुआ था, लेकिन उसे खोलने के लिए पासवर्ड कार्ड की जरूरत थी, इसलिए सब लोग मिलकर कार्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। तब उन सबको लगता है कि मई उन्हें बेवकूफ बना रही है। इसी बीच एक छोटे कंटेनर की अंदर से आवाज आती है और वो लोग उसे खोल कर देखते हैं। उसके अंदर उन्हें जून मिलता है। वो लोग उसे अपने कब्जे में लेकर मई को ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो कोई चालाकी ना दिखा सके और हीरा ढूंढकर उनके हवाले कर दे। उधर जेंग और उसके साथी चारों तरफ ढूंढते हुए किचन तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ढेर सारा चिपचिपा लिक्विड दिखाई देता है। तभी उन्हें लावा की आवाज आती है और वो लोग वापस नेविगेशन रूम में जाने वाले होते हैं, पर तभी उन्हें मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उनके एक साथी को नुकीले दांतों वाले टेंटिकल्स में पकड़कर सीलिंग के ऊपर उठा लेता है। ये देखकर वह सब लोग लगातार फायरिंग करने लगते हैं, पर उनकी फायरिंग का उस पर कोई असर नहीं होता। तब जेंग एक जलते हुए मशाल के लपटों से डराकर उसे भगा देता है। इसके बाद वो सब तेजी से वहां से निकलने लगते हैं, पर उनके सामने फिर से मॉन्स्टर आ जाता है और उन्हें रास्ता बदलकर दूसरी तरफ से भागना पड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें वहां भी घेर लेता है और दौड़ते समय उनका एक साथी लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिसे मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। जेंग उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से मॉन्स्टर के कब्जे में आ चुका था, इसलिए मजबूरन उसे वहां छोड़कर जाना पड़ता है। अब सभी लोग लाओ के पास आकर उसे पूरी घटना बताते हैं। मई भी उसे मॉन्स्टर वाली बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करती है, पर लाओ को किसी की बात पर विश्वास नहीं होता। अभी वो सब लोग आपस में बहस कर ही रहे थे कि इतने में उन सबको ग्लास विंडो के बाहर फिर से वो जायंट मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसके टेंटिकल्स चारों तरफ से उन सबको घेरे हुए थे। सब लोग पैनिक हो जाते हैं और इसी घबराहट में उनका एक साथी मॉन्स्टर को मारने के लिए गोली चला देता है, जिससे ग्लास विंडो टूट जाता है और उस होल को तोड़ते हुए मॉन्स्टर का एक टेंटिकल अंदर आ जाता है और उनमें से एक को पकड़कर ऊपर उठा लेता है। सब लोग एक साथ फायर करना शुरू कर देते हैं, पर मॉन्स्टर पर इन सब का कोई असर नहीं होता, इसलिए आखिरकार जेंग एक फायर गन से डायरेक्ट उसके मुंह पर फायर करता है, जिससे सब लोगों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन भागते हुए जेंग लड़खड़ाकर गिर जाता है। ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है, लेकिन मई जून को अपनी गोद में छुपा लेती है और मॉन्स्टर मई को टच किए बिना आगे चला जाता है। इसी बीच जेंग एक कुल्हाड़ी लेकर टेंटिकल्स पर अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर पीछे हट जाता है और बाकी लोग वहां से सेफली निकलकर कार्गो एरिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन लाओ वहां से हीरे लिए बिना जाने को तैयार नहीं था, इसलिए वो मई को लॉकर खोलने के लिए कहता है। जेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी हीरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जान बचाना, लेकिन लाओ के साथ ही गन पॉइंट पर उसे पीछे धकेल देते हैं और मई लॉकर खोलकर हीरा उनके हवाले कर देती है। हीरा लेकर जैसे ही वो लोग जाने के लिए मुड़ते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों को घुटने के बल बैठा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। उन सबके मुंह में कोई पूल जैसी चीज रखी हुई थी, जिसका मतलब था कि मॉन्स्टर ने उन सबको रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया था। ये देख मई को एहसास होता है कि शायद वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन अभी वो सब भागने की कोशिश करते हैं, पर पीछे से मॉन्स्टर अटैक कर देता है और इस बार लाओ को पकड़ लेता है। सब लोग उसे मॉन्स्टर की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिससे गुस्सा होकर मॉन्स्टर लाओ को दीवार की तरफ उछाल देता है और हीरो वाला बैग लाओ के हाथ से छूट कर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद सब लोग तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन चारों तरफ से मॉन्स्टर का घेरा देखकर वापस कंटेनर में छुप जाते हैं। मई और उसके भाई को बचाने के चक्कर में जेंग के हाथ में चोट लग गई थी, जिसकी पट्टी करने के लिए मई अपना शर्ट फाड़ कर जेंग के हाथ पर बांध देती है। इस बीच दोनों एक दूसरे को अपने बारे में भी बताते हैं और जेंग उसे अपनी बेटी और उसकी बीमारी के बारे में बताता है, लेकिन जून काफी डरा हुआ था। उसे देखकर जेंग को अपनी बेटी की याद आने लगती है। इसी बीच लाओ का फोन आता है और वो जेंग को हीरो वाला बैग लाने के लिए कहता है, जो भगदड़ में वहीं छूट गया था। इसके बाद जेंग हीरा लाने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर सामने था उसे रोकने के लिए। सब लोग उस पर फायरिंग करते हैं, जिससे जेंग को बैग उठाने का मौका मिल जाता है। अब वो जून को अपनी गोद में लेकर मई के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन इसी बीच मॉन्स्टर उनके एक साथी को मार डालता है। बाकी लोग उसे रोकने के लिए फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन जब उस पर कोई असर नहीं होता तो जेंग तुरंत एक गैस कंटेनर उठाकर मॉन्स्टर की तरफ उछाल देता है और लाओ को फायर करने के लिए कहता है। इसीलिए लाओ के फायर करते ही जोरदार धमाका होता है और मॉन्स्टर घायल होकर पीछे हट जाता है। मौका मिलते ही सब लोग दौड़कर दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि वहां से निकलने का दूसरा दरवाजा भी बंद हो चुका था। अब वो लोग दोनों तरफ से फंस चुके थे। एक तरफ मॉन्स्टर लगातार दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ से बाहर
बाहर जाने वाला रास्ता भी बंद था। आखिरकार जैंग को बाहर निकलने के लिए वेंटिलेशन वाला रास्ता दिखाई देता है और वो सबको बारी बारी से ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। इस तरह लोग वेंटिलेशन वाले पाइप के अंदर रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक मॉन्स्टर भी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका था और उसके टेंटिकल्स उन सबको चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। खतरे को देखते हुए सब लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वेंटिलेशन एरिया को तोड़ते हुए वहाँ भी आ जाता है। अब सारे लोग बाहर निकल चुके थे जबकि सिर्फ मई और उसका भाई जून वहाँ अकेले रह जाते हैं। जेंग उन्हें बचाना चाहता था लेकिन उन तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण सब लोग जबरदस्ती उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग दूसरे बोट पर सवार होने लगते हैं, जेंग का मन नहीं मानता और वो वापस मई और उसके भाई को बचाने के लिए शिप के अंदर आ जाता है। उधर बोट में पहुँचते ही लाओ के साथ ही हीरा हड़पने के लिए उसे जान से मारने की प्लानिंग करते हैं और एक भारी औजार से उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार करते हैं जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों धोखेबाज उसके हीरे वाले बैग छीन कर जाने लगते हैं, पर तभी लाओ होश में आ जाता है और उनसे फाइट करके अपने हीरे वापस ले लेता है। लेकिन वो दोनों उस पर लगातार अटैक करते रहते हैं जिसकी वजह से लाओ कमजोर पड़ने लगता है। तभी उसके हाथ एक चाकू लगता है जिसे वो हमला करने वाले की छाती में घोंप देता है और किक मार कर उसे दूर कर देता है। तभी दूसरा हमलावर लाओ के पेट में छुरा घोंप देता है। लाओ भी उसे पटक कर जमीन पर गिरा देता है और एक रस्सी से उसका गला घोट कर उसे मार देता है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और बहुत सारा खून बह चुका था, इसलिए लाओ भी अपने लालची साथियों की तरह जमीन पर गिरकर मर जाता है। उधर शिप में आखिरकार मई अपने भाई के साथ उस वेंटिलेशन एरिया से निकलने में कामयाब हो जाती है और अपने हाथ में चाकू लेकर उसे एक डंडे से बांधकर हथियार तैयार करती है ताकि जरूरत पड़ने पर मॉन्स्टर से लड़ने के काम आए। तभी मॉन्स्टर पीछे से हमला करने ही वाला होता है कि उसी समय जेंग वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, जेंग की नजर उस ब्लैक बॉक्स पर पड़ती है जहां से सारा मामला शुरू हुआ था। जेंग को उस डिवाइस के अंदर एक वीडियो भी मिलता है जिसे प्ले करके देखने पर पता चलता है कि जायंट मॉन्स्टर दरअसल एक नाकाम एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। वीडियो में देखने वाला साइंटिस्ट बता रहा था कि उन एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने के कारण ढेर सारे और भी क्रिएचर्स समुद्र में मौजूद होंगे। ये सुनते ही वो लोग तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और मॉन्स्टर भी उनके पीछे आता है। इसलिए जेंग फुर्ती से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे हवा में उछाल देता है। ये देखकर मई उसे बचाने के लिए आती है और अपने तैयार किए हथियार से मॉन्स्टर पर हमला करती है। इसके बाद तीनों लाइफ बोट की तरफ बढ़ते हैं। जेंग मई और जून को लाइफ बोट में बैठा देता है और खुद मॉन्स्टर से लड़ने का इरादा करके वापस शिप की तरफ मुड़ता है। ये देख मई और जून उसे लाइफ बोट में बुलाते हैं पर वो नहीं सुनता। वो मई को अपनी बेटी के हॉस्पिटल का पता और रूम नंबर बताकर कहता है कि उसका ख्याल रखना। इसके बाद वो मॉन्स्टर की तरफ पलटता है जो कि उसी की तरफ आ रहा था। वो मॉन्स्टर को उलझाए रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि मई और उसका भाई वहां से सुरक्षित निकल सके। इसीलिए वो शिप में इधर से उधर दौड़ता है और जायंट ऑक्टोपस भी शिप को तोड़ते हुए उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उधर मई और जून दोनों जेंग को बार बार बोट की तरफ बुलाते हैं, पर जेंग मॉन्स्टर से लड़ते हुए समंदर में कूद जाता है और उसके पीछे पीछे मॉन्स्टर भी समंदर में छलांग लगा देता है। इसके बाद वो लाइव बोट की तरफ बढ़ने लगता है जहां जेंग देखता है कि मई और जून की जान खतरे में है। इसलिए वो तुरंत अपने गन से मॉन्स्टर पर फायर करता है जिससे मॉन्स्टर का ध्यान वापस जेंग की तरफ हो जाता है। इस बीच जेंग पानी के अंदर गोता लगाकर डायनामाइट तैयार करता है और सीधा मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस जाता है। फिर डायनामाइट ब्लास्ट होता है और इसके साथ ही मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब मई और जून वहां से सुरक्षित निकल सकते थे, पर तभी मई की आंखों का रंग बदल जाता है और उसके चेहरे के हाव भाव भी डरावने लगने लगते हैं, जिसे देखकर जून बुरी तरह से डर जाता है। मई नोटिस करती है कि उसके पेट के उस हिस्से में जहां चिपचिपा सा लिक्विड लगा था, उस जगह से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना